मैं आपको वेरी ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं पहले से प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अगर इंडिया समझ रही है कि संडे को वो वॉक ओवर कर जाएंगे न्यूजीलैंड के खिलाफ, व्हाट इफ न्यूजीलैंड विन द टॉस इन दुबई एंड इलेक्टेड टू बॉल फर्स्ट, तो ये फिर इंडिया फंस जाएगा। इंडिया मुझे बहुत बड़ी फंसा हुआ नजर आ रहा है यहाँ पे। अगर न्यूजीलैंड टॉस जीत गया दुबई में और इंडिया आ गया पहले पारी करने और न्यूजीलैंड ने चेस कर लिया, तो ये अफगानिस्तान इंडिया को भी नहीं छोड़ेगी, ठीक है, ये मैं आपको 100% गारंटी दे रहा हूँ। और पाकिस्तान भी फंसेगी इनके सामने, ये इट्स अ गिवन थिंग, मैं आपको भी बता रहा हूँ। तो जैसा कि आपने शुएब अख्तर की अभी गुफ्तगू सुनी, इंडिया और न्यूजीलैंड का आज मैच खेला जा रहा है जो कि एक फैसलाकुन मैच होगा दोनों टीमों के लिए, एक डाई एंड डू एंड डाई वाली सिचुएशन है। अगर इंडिया ये मैच हारता है तो उसको तकरीबन वर्ल्ड कप से आउट समझा जाएगा, क्योंकि जो भी टीम जीतेगी वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करने की दावेदार बन जाएगी। तो इसके ऊपर शुएब अख्तर ने तजिया किया कि अगर इंडियन फैंस जो है वो न्यूजीलैंड को बहुत ही हल्के में ले रहे हैं, अगर न्यूजीलैंड आज टॉस जीतता है तो न्यूजीलैंड के लिए ये मैच जीतना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि दूसरी इनिंग में ड्यू फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है जो बैटिंग साइड होती है उसके लिए। अगर न्यूजीलैंड टॉस जीतता है और पहले बॉलिंग करता है तो इंडिया को तकरीबन वर्ल्ड कप से आउट समझा जाएगा, ये ऐसा कहना है शुएब अख्तर का। वर्ल्ड कप में अभी तक जितने भी मैचेस हो चुके हैं उनमें सब में हमने देखा कि टॉस जो है वही मैच का डिसीजन कर लेता है। पाकिस्तान का अगर हम देखें तो पाकिस्तान ने तीनों बार पहले बॉलिंग की, पाकिस्तान ने दो बार पहले टॉस जीता, अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को टॉस जीकर पहले बॉलिंग की दावत दी। तो ये जो टॉस का फैक्टर है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है और आज का मैच भी तकरीबन टॉस ही डिसाइड करेगा। न्यूजीलैंड बेशक एक एशियन टीम नहीं है लेकिन उसका ट्रैक रिकॉर्ड यूएई में खेलने का काफ़ी बेहतर है एज़ कम्पेयर टू अदर नॉन एशियन टीम, जैसा कि ऑस्ट्रेलिया, जैसा कि हमने कल देखा कि ऑस्ट्रेलिया को बहुत ही बुरी तरह से शिकस्त हुई इंग्लैंड से। इंग्लैंड का ये है कि इंग्लैंड के जो प्लेयर्स हैं वो आईपीएल में खेलते हैं, पीएसएल में खेलते हैं, तो उनको काफ़ी एक्सपीरियंस है लीग्स में खेलने का, तो वहाँ यूएई में आके खेलते रहे हैं तो उनको काफ़ी एक्सपीरियंस है यहाँ पे यूएई की कंडीशंस का, यूएई के पिचेस का, जो कि हमने कल देखा भी, उन्होंने टोटली आउट क्लास कर दिया ऑस्ट्रेलिया को और 5 विकेटों से एक ज़बरदस्त शिकस्त दी ऑस्ट्रेलिया को। तो ऑस्ट्रेलिया का ये वीक पॉइंट है यहाँ पे यूएई में आकर खेलना, क्योंकि वो उनके प्लेयर्स बहुत कम यूएई में आकर खेलते हैं, वो उनको यहाँ की पिचेस का, यहाँ की कंडीशंस का इतना बेहतर तरीके से आइडिया नहीं है जितना यहाँ की एशियन टीमों को होता है। तो ये एज होगा थोड़ा सा इंडिया को, लेकिन आज के मैच में भी बात वही कि टॉस जो होगा वो सबसे क्रूशियल होगा, टॉस ही डिसाइड करेगा कि कौन सी टीम मैच जीतेगी। तो आपके ख्याल में कौन सी टीम आज मैच जीतने जा रही है और इंडियन टीम की प्लेइंग 11 में कौन सी तब्दीलियाँ होगी? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।